हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब अच्छे होंगे। तो बेटा, आज हम अपना एट्थ क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते। तो बेटा, कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ तो हमें सामने से दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ इतने छोटे होते हैं कि वो हमें ऐसे नॉर्मल आँखों से नहीं दिखाई देते। इन्हीं को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव बोलते हैं। उदाहरण के लिए, आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती हैं तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, जो तुम्हें क्या करके दिखाएगा बेटा? बड़ा करके दिखाएगा उन धब्बों को, जिससे तुम पता लगा सकते हो कि हाँ, सच में वहाँ पर क्या हैं? सूक्ष्म जीव हैं। आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएँ दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएँ क्या हैं और यह कहाँ से आई हैं? तो इसी बारे में बेटा हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। तो हम अपना 2.1 सूक्ष्म जीव स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, इसमें क्या दिया हुआ है? क्रियाकलाप 2.1 है, बगीचे अथवा मैदान में एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? अब बेटा, स्लाइड क्या होती है? स्लाइड होती है, जैसे तुम्हें मलेरिया हो जाए या कुछ भी हो, तो तुम क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाते हो और अपना टेस्ट कराने जाते हो, ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट करते वक्त वो क्या करता है बेटा? डॉक्टर पिन से तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड निकालता है उंगली से, और वो क्या करता है, उस स्लाइड पर ऐसे रब कर देता है तुम्हारी फिंगर को। तो बेटा, उसी जो वो ट्रांसपेरेंट कलर की स्लाइड वो होती है बेटा, पीस होता है मिरर जैसा, वही क्या होती है? स्लाइड होती है। ठीक है, अब बेटा क्रियाकलाप 2.2 में क्या है? एक तालाब पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका प्रेक्षण कीजिए। तो बेटा, ये सब प्रेक्षण करने के लिए वो क्यों बोल रहा है? वो इसलिए बोल रहा है कि स्लाइड पर जब हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो हमें वहाँ पर सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे, छोटे छोटे। किसकी सहायता से? सूक्ष्मदर्शी, यानी कि छोटे जीवों को देखने वाला यंत्र। ठीक है, क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो बेटा, जब तुम ऐसा करके देखोगे तो तुम्हें दिखाई देंगे अवश्य ही। इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। तो बेटा, जो ब्रेड पर जो कवक लग जाती है, या जिसको तुम क्या बोलते हो? फंगस। ठीक है, तो बेटा जो वो होती है, वो तुम्हें क्या होती है? वो तो ऐसे ही दिख जाती है। क्यों? क्योंकि क्या होते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे सूक्ष्म जीव इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से वो उनका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो हमें दिखाई देने लगते हैं। लेकिन बाकी जो सूक्ष्म जीव हैं, वो हमें ऐसे बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता के बिना नहीं दिखाई देंगे। यही कारण है कि इनको क्या बोला जाता है? सूक्ष्मदर्शी, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि ये हमें किसी यंत्र की सहायता के बिना दिखाई नहीं देंगे। इसीलिए बेटा, और ये सूक्ष्म जीव भी कई तरह के होते हैं। तो सूक्ष्म जीवों को चार मुख्य वर्गों में बांटा गया है, और ये वर्ग कौन कौन से हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। तो ये चार वर्ग है बेटा। ये क्वेश्चन बनता है, सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कितने वर्गों में बांटा जा सकता है बेटा? चार में, मेन मुख्य रूप से चार वर्गों में बांटा गया है। जो वो क्या हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक है, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 से 2.4 में दर्शाए गए हैं। देखो बेटा, ये रहे, यहाँ पे देखोगे तुम, सबसे पहले तुम्हें जीवाणु के दिखाए गए हैं। ये जीवाणु भी बेटा कई प्रकार होते हैं, मतलब कई प्रकार उसके आकार के तौर पर होते हैं। कि जीवाणु कई आकार के होते हैं, जैसे कि कोई गोल आकार का होता है, कोई जैसे तुम्हारी नोटबुक होती है स्पाइरल बाइंडिंग की तरह, इस तरीके से होता है, स्प्रिंग की तरह, कोई एक छड़ की तरह होता है। तो इसी आधार पर इनको बांटा गया है कि उनका आकार कैसा दिखता है देखने में। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा? शैवाल। शैवाल क्या होती है? मैंने तुम्हें बताया है, काई होती है,
जो कहाँ पर जल पर लग जाती है, जो इकट्ठा होता है पानी काफ़ी दिनों से एक जगह पर, तो वहाँ पर क्या उगाती है, काई। तो उसके ही और जो उसी को शैवाल बोलते हैं। और वो काई क्या है बेटा, उसमें भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि अब क्या है क्लेमाइडोमोनास और दूसरा क्या है स्पाइरो गायरा, ठीक है। ये किसके उदाहरण है, शैवाल के। ये शैवाल बेटा इनकी कैटेगरी है, ठीक है। जैसे अब तुम्हें कोई बोल दे पक्षी की कैटेगरी में कितने सारे पक्षी आते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही जो रेंगने वाले पशु जंतु होते हैं उनमें कौन कौन आते हैं, छिपकली आ गई, क्रोकोडाइल आ गया, सांप आ गया। तो ऐसे ही बेटा ये कैटेगरी है शैवाल के अंदर, जो जो जिसमें तुम्हें दो दो एग्जांपल दिए हुए हैं सभी के। अब तीसरा क्या बेटा, प्रोटोजोआ। तीसरा सूक्ष्मदर्शी क्या सूक्ष्म जीव क्या था, प्रोटोजोआ, जिसमें क्या है पहला अमीबा और दूसरा पैरामीशियम। ऐसे और भी बहुत जीव होते हैं इस कैटेगरी में भी, सभी कैटेगरी में बहुत होते हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हें सिर्फ यहाँ उदाहरण के तौर पर एक दो दिखाए गए हैं। फिर बेटा फोर्थ क्या है, कवक, जो कि तुम्हारी ब्रेड पर लग जाती है, ठीक है, जब ब्रेड खराब होने लगती है। तो फर्स्ट बेटा क्या है, राइजोपस, और सेकंड पेनिसिलियम। थर्ड क्या है बेटा, एस्परजिलस, ठीक है। तो ये सारे बेटा कवक के उदाहरण हैं। तो आई होप बेटा तुम्हें जीवाणुओं के बारे में, कवक के बारे में, प्रोटोजोआ और शैवाल के बारे में कुछ कुछ समझ आ गया होगा कि ये क्या हैं और कहाँ पर कैसे मिलते हैं, दिखाई देते हैं। अब देखो बेटा एक और है जो सूक्ष्म जीव ही है, लेकिन उसको हमने अलग से वर्गीकृत किया है, इसमें नहीं बताया, वायरस। उसका नाम क्या है, वायरस। वायरस भी क्या है, एक सूक्ष्म, मतलब सूक्ष्म ही होता है, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होता है, इसलिए हमने इसको इस कैटेगरी में नहीं रखा। वहाँ पर हमने सिर्फ चार ही मुख्य तौर पर बताए हैं। और ऐसा क्यों है ये मैं तुम्हें बताऊंगी बेटा। ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, परपोषी में गुणन करते हैं। परपोषी क्या होता है, मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ सेवन्थ में। परपोषी क्या होता है, जो क्या करते हैं परपोषी पर बेटा क्या होते हैं, परजीवी निर्भर होते हैं। परजीवी मतलब जो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं पौधे, उन पर क्या करते हैं, उन पर जो दूसरे जीव होते हैं डिपेंड होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, तो वो जीव क्या कहलाएंगे, परजीवी। और जिस पर वो निर्भर है वो क्या कहलाता है, परपोषी। तो ऐसे ही बेटा ये विषाणु जो होता है वो किस पर गुणन करता है, यानी कि किस पर अपनी वृद्धि करता है, परपोषी पर, यानी कि वो दूसरे के बने हुए भोजन को खाता है, ठीक है। वो अपने आप से कुछ भी नहीं करता, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। जैसे बेटा अब विषाणु का एक एग्जांपल तुम ले सकते हो, जो अभी चला हुआ है कोरोना वायरस, ये भी किस कैटेगरी का है, विषाणु की कैटेगरी का है, ठीक है। तो ये भी बहुत खतरनाक होता है। ये भी किस पर निर्भर करता है, हमारा जो जंतु है, हमारी जो कोशिका है जिसके हम बने हुए हैं, उस पर निर्भर होता है अपने भोजन के लिए, अपनी वृद्धि के लिए, इसलिए हमारे लिए बहुत हानिकारक है। और तुम्हें पता ही चल जाएगा अब तो विषाणु के बारे में कितना खतरनाक है, तुम देख ही रहे हो डेली। और बेटा ये कहाँ पर दिखाया गया, 2.5 में। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं, जो कि कोरोना वायरस के लक्षण भी होते हैं, क्योंकि ये विषाणु के द्वारा होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया, वो भी किसकी वजह से होता है, विषाणु की वजह से। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी किसकी वजह से होते हैं, विषाणु की वजह से। तो विषाणु बेटा इन सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे खतरनाक होता है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। और जीवाणु द्वारा होने वाले रोग बेटा कौन कौन से हैं, टाइफाइड एवं क्षय रोग यानी टीबी, ठीक है ना। इसमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा सिक्स एवं सेवन में पढ़ चुके हैं। तो बेटा कुछ के बारे में तो तुम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो बेटा तुम्हें मैं विषाणु दिखाती हूँ वो कैसा होता है, जैसा कि तुम देख चुके हो, तुम देखते होंगे अभी टीवी में भी बेटा इसी तरीके का तुम्हें विषाणु दिखाते हैं ना, कोरोना वायरस भी कुछ कुछ ऐसा ही दिखाते हैं ना। और बेटा तो इस तरीके का होता है, इस कैटेगरी में ही वो कोरोना वायरस भी आता है। तो तुम्हें एक तो एग्जांपल वैसे ही मिल गया तुम्हें अपनी डेली लाइफ से विषाणु का। तो बेटा अब नेक्स्ट क्या है, हमारे सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं। अब हमने ये तो पता कर लिया कि सूक्ष्म जीव होते हैं और वो कैसे दिखते हैं, हमने थोड़ा थोड़ा वो भी देख लिया, ठीक है। और किस कैटेगरी में किस तरह के सूक्ष्म जीव आते हैं वो भी देख चुके हम,
लेकिन अब वो रहते कहाँ हैं? सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं, यानी कि उनमें सिर्फ एक ही कोशिका हो सकती है, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, मतलब कि जीवाणु हैं और जो कुछ शैवाल, सभी शैवाल नहीं, कुछ शैवाल और कुछ प्रोटोजोआ क्या होते हैं बेटा? एक कोशिका, यानी सिर्फ एक ही कोशिका के बने होते हैं, अथवा बहुकोशिक जैसे कि शैवाल एवं कवक। और कुछ शैवाल और कवक क्या होते हैं बेटा? बहुकोशिक, यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि हमारा शरीर की बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और अमीबा क्या है बेटा? सिर्फ एक ही कोशिका से बना हुआ है, इसलिए उसको क्या बोल देंगे? एक कोशिक जीव। तो बेटा यह बर्फीली शीत में उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। और बेटा ये देखो कैसे कैसी पर्यावरण में रह सकते हैं, तो ये ठंडे से ठंडे में और गर्म से गर्म स्थान पर और हर परिस्थिति में रह सकते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं, मतलब कि ये बेटा जहाँ पर बिल्कुल सूखा हो और जहाँ पर बहुत ज़्यादा गीला हो, दलदल हो, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, ये मनुष्य से हर जीव के अंदर पाए जाते हैं, धरती पर पाए जाते हैं, पेड़ों पर पाए जाते हैं, मतलब हर जगह पर पाए जाते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, मिट्टी हो, वायु हो, हर जगह पर ये विद्यमान होते हैं, ठीक है। क्या सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं? जबकि कुछ अन्य, अब इनमें से क्या होता है बेटा, कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो तो क्या होते हैं? सजीवों पर आश्रित होते हैं, और कुछ स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। मतलब कुछ तो सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं कि उनको जिंदा रहने के लिए किसी सूक्ष्म जीव के शरीर में ही प्रवेश करना पड़ेगा या उन पर ही रहना पड़ेगा, लेकिन कुछ होते हैं स्वतंत्र रूप से भी हमारे पर्यावरण में विद्यमान होते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जैसे कि अमीबा, अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हें अमीबा। देखो बेटा जो ये दिख रहा है ना अमीबा, ये क्या बेटा, ये स्वतंत्र रूप से भी रह सकता है, इसको रहने के लिए किसी पे पौधे की या जंतु की शरीर की आवश्यकता नहीं है। तुम बेटा पढ़ चुके हो कौन कौन से जीव, मतलब कि कौन किस पर निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए, पौधे क्या होते हैं बेटा, अपना भोजन स्वयं बनाते, तुम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो बेटा, सेवन्थ में ये, ठीक है। तो अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव बेटा अकेले रह सकते हैं, जबकि कवक एवं जीवाणु क्या होते हैं? समूह में रहते हैं। और बेटा कवक और जीवाणु क्या होते हैं? ये समूह में रहते हैं। अब समूह में रहने का मतलब क्या है कि इकट्ठे, जैसे मधुमक्खियाँ रहती हैं ना एक छत्ते में बहुत सारी, ऐसे ही बेटा ये कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं, ठीक है। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही करते हैं और आगे का अपना टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।